हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे रसायन विज्ञान, और ये होगा रसायन विज्ञान का आज अंतिम भाग। जी हाँ, भाग दो के साथ हमने कंप्लीट करा ये रसायन विज्ञान, और इसी के साथ हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इवन हमने सभी सब्जेक्ट मैक्सिमम अब कंप्लीट कर दिए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं और आप चाहते हैं जीएस में कुछ अच्छा स्कोर करना, या आपको कोई टारगेट है कि जीएस को एक स्टैंडर्ड बुक को मैंने तरीके से ख़त्म करना है, अच्छे से याद करना है, तो आप मार्केट से जाकर के इस बुक को परचेस कर सकते हैं। मार्केट से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आई थिंक आपके पास ये बुक होगी अगर आपको टाइम हो चुका है तैयारी करते हुए, 1 साल या फिर 1.5 साल। और अगर आप अभी अभी कंपटीशन की फील्ड में कूदे हैं या फिर अभी आपको बहुत कम समय हुआ है तैयारी करते हुए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक को आप मार्केट से परचेस कर ही लीजिए। जो भी मार्केट आसपास हो वहाँ से इस बुक को परचेस कर लीजिए। अगर मार्केट पास में नहीं है तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हैं। जहाँ से परचेस करना है वहाँ से परचेस करिए, बट इस बुक को परचेस आप तभी करना जब आप पढ़ने के मूड में हो तब। ये नहीं कि आप मार्केट से बुक को परचेस करके ले आए, जो उसको उसमें एक आध पन्ने पलटे बाद में ठप पड़ गए। जी हाँ, ठप। आपको ऐसा नहीं करना है। बुक को अगर परचेज भी करना है तो साथ में आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, और वहाँ पे जो भी आपको तमाम वीडियो मिलते हैं उन सभी वीडियो को तरीके से वॉच करना है, और एक एक पेज को आपने ढंग से हाईलाइट करना है। किस तरह से मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ वो आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो एक दो वीडियो और देखना, या फिर अभी जो आप वीडियो देखेंगे पहले ढंग से इसको देखना, उसके बाद आपको चल जाएगा पता कि आपको क्या करना है। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, तो वो उनको अच्छे से पता होगा कि ये बुक कैसे पढ़नी है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस क्या होती है, ईंधन किसको बोलते हैं। तो ईंधन की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ईंधन किसको बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं। बट जब आप किस अगर आप स्टैंडर्ड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पे कुछ कभी कभी कुछ क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ईंधन क्या होता है, या फिर आपका ये आप स्फोटन क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कुछ पूछ लेता है। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं फिलहाल। देखिए, वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है उसको हम कहते हैं ईंधन। और उसके बाद देखिए ईंधन का उसमें मान क्या होता है। ईंधन का जो उसमें मान डिपेंड होता है वो एक्चुअली होता है 1 ग्राम पर, ठीक है ना, 1 ग्राम पर। देखिए 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूरी तरह जलाने के पश्चात जो हमको उष्मा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं उसमें मान। तो ये जो डिपेंड होता है ये होता है 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूरी तरह से जलाने के पश्चात जो भी उष्मा प्राप्त होगी उसको बोलेंगे उसमें मान। अब देखिए अप स्फोटन क्या होता है। कुछ एक्चुअली ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले ही हो जाता है, जिससे ऊष्मा क्या होती है पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक मतलब एक आर्टिफिशियली ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि में वो क्या होता है ईंधन नष्ट हो जाता है। ऐसे हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं धात्विक ध्वनि अप स्फोटन कहलाती है। जो वो ध्वनि होगी धात्विक के हिसाब से तो वो कहलाएगी अप स्फोटन। मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस लाइन को ऑक्टेन नंबर को एक बार आप खुद रीड करिए। अब हम बात करते हैं कोयला क्या होता है, कोयले के प्रकार क्या होते हैं। देखिए कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो कोयले से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछ लेता है, और हम कोयले को एक्चुअली कोयला समझते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोयले की एक अलग एक वैल्यू है सच में। देखिए पिट जो कोयला होता है, अगर मैं इन शॉर्ट आपको ये बोलूँ कि जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला काफ़ी यूजफुल होगा, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वो कोयला काफ़ी महंगा होगा। तो यहाँ पे कोयले 4 प्रकार के होते हैं। एक है आपका पिट कोयला, सेकेंड है आपका लिग्नाइट कोयला, थर्ड है आपका बिटुमिनस, फोर्थ है आपका एंथ्रासाइट। तो फिर आपको यहाँ पे देखिए क्या याद करना है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, वो है पिट कोयला।
आपको इसको याद रखना है। और सबसे हाई क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, वहाँ पे आपको एग्जाम में चार ऑप्शन देगा। चारों ऑप्शन में यही ऑप्शन देगा, पिट, लिगनाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो आपको याद रखना है जो सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो होता है आपका एंथ्रासाइट। राइट, ऐसे ही आप देख। और इसमें चाहे तो आप कार्बन की मात्रा कितनी होती है एंथ्रासाइट में, कार्बन की मात्रा होती है 85% से प्लस, मतलब 85% से अधिक। अब हम बात करते हैं द्रव ईंधन क्या होता है। देखिए, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये किरासिन नहीं कैरोसिन है, अल्कोहल, स्प्रीट, सभी द्रव ईंधन के एग्जाम्पल होते हैं। जो भी ईंधन के एग्जाम्पल होते हैं जो लिक्विड में होते हैं, किसी भी चीज़ में हम बोतल वगैरह में भर सकते हैं, जिनका अपना कोई खुद का आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में डालो उसी में ये लोग अपनी शेप ले लेते हैं। तो ये सब होता है आपका लिक्विड फ्यूल, काफ़ी कॉमन सी बात है, पता है आपको यार। अब देखिए, बोलते हैं गैसीय फ्यूल क्या होता है। एक होता है प्राकृतिक गैस, यह है पेट्रोलियम, कुओं से निकलती है और इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है। कितना बढ़ता है, 95% हाइड्रोकार्बन। और जिसमें 80% क्या होती है, मीथेन होती है। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होती है प्राकृतिक गैस। घरों में प्रयुक्त होने वाली जो हमारी एलपीजी गैस होती है वो एक्चुअली एक द्रवित प्राकृतिक गैस होती है, लेकिन यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। अब हम कभी कभी हम लोग देखते हैं कि गैस जब लीक होती है तो उसमें एक्चुअली हमको स्मेल सी आती है कि यार गैस लीक हो रही है। किचन में हम फटाफट भगते हुए जाते हैं और देखते हैं कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही, कहीं उसको स्विच ऑन तो नहीं है। तो एक्चुअली सिलेंडर में, एलपीजी सिलेंडर में ये एक गैस अलग से ऐड करी जाती है जिससे कि लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ गैस लीक हो रही है। तो उस गैस का नाम क्या होता है, उस गैस का नाम होता है सल्फर के यौगिक। ये सल्फर के यौगिक आपको नहीं देगा एग्जाम में, आपको एग्जाम में देगा ऑप्शंस में मिथाइल मरकैप्टन। क्वेश्चंस कैसे बनेगा आप जरा वो भी सुन लीजिए। क्वेश्चंस ऐसे बनता है कि आपसे ये पूछेगा कि घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर में जो गंध युक्त गैस होती है उसका नाम बताइए, जिसमें गंध होती है, जिसमें हमको अजीब सी स्मेल आती है, उस गैस का नाम बताइए, उसका नाम है मरकैप्टन। ठीक है, मरकैप्टन। मैं एक्चुअली मर कैप्टन बोल रहा हूँ कि इसलिए कि आपको आसानी से याद हो जाए। एक्चुअली मर कॉपटेन, मर कैप्टन कुछ भी दे सकता है आपको एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है ये। आगे हम बात करते हैं, देखिए बायोगैस, बायोगैस में जो ज्वलनशील गैस होती है उसका नाम बताइए, और ये एक्चुअली गीले गोबर, पशुओं के मल मूत्र से मिलकर बनती है, उसको बोलते हैं मिथेन गैस। और मिथेन गैस के प्लांट आपने शायद कभी गाँव वगैरह में कहीं पर देखे होंगे, काफ़ी जगह ये प्लांट आज भी आपको देखने को बड़े आसानी से मिलेंगे, क्योंकि तो मीथेन गैस के बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वहाँ से जो मीथेन गैस निकलती है पाइपों के थ्रू वहाँ के गाँव में, घरों में सप्लाई होती है। जैसे शहरों में क्या होती है, एलपीजी सिलेंडर आपको सप्लाई होता है, तो उसी प्रकार से मीथेन गैस छोटे छोटे पाइपों में यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती रहती है। अब हम बात करते हैं फिलहाल जल गैस क्या होती है, वाटर गैस। इसमें क्या होती है, इसमें कौन कौन सी मात्रा कितने परसेंट होती है वो हमको याद करना पड़ेगा। देखिए, हाइड्रोजन 49% होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। और देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में उपचायक के रूप में। देखिए, एल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला देते हैं, अगर आप अल्कोहल को पेट्रोल में मिला देंगे तो क्या होगा, तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। पावर अल्कोहल में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है आपसे। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन देगा, अल्कोहल प्लस पेट्रोल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अल्कोहल प्लस पेट्रोल को मिला करके पावर अल्कोहल बनता है, और जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक मतलब एक ऑप्शनल स्रोत भी है। अब हम बात करते हैं धातु के बारे में, धातु क्या होती है। देखिए, ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं उन्हें हम कहते हैं धातु। ठीक है, धातुओं में विद्युत चालकता के घटते क्रम क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो धातु के लिए वो विद्युत के लिए होता है वो होता है चांदी। चांदी अच्छा चालकता होती है विद्युत की। सेकेंड नंबर पे आता है आपका तांबा, थर्ड नंबर पे आता है आपका एल्युमिनियम, और फोर्थ नंबर पर आता है पर टंगस्टन। अब हम पढ़ते हैं, देखिए, सीसा की उसमें एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है।
लेकिन यहाँ पे विद्युत चालकता सबसे अधिक किस में होती है, तो वो होती है चांदी में। ये कभी कभी क्या मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आपने रियल एग्जाम दिया होगा, कभी भी फेस करा होगा, कभी कोई फॉर्म भरा होगा उसका, जब आप एग्जाम देने गए होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा या फिर मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। पृथ्वी की भूपरटी धातुओं का मुख्य स्रोत होती है, और भूपरटी मतलब भूमि के अंदर की जो लेयर होती है, मिलने वाली धातुओं में जो होता है मैक्सिमम एल्युमिनियम पाया जाता है, एल्युमिनियम होता है 7%, लोहा मिलता है हमको 4%, कैल्शियम मिलता है 3%, का क्रमशः फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान होता है। अब देखिए अयस्क क्या होता है, अयस्क के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं अयस्क। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपसे गैंग क्या होता है। देखिए गैंग होता है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ, मतलब अयस्क जो हमको मिलता है ना, उसमें जो फालतूपन के जो पदार्थ तो उसमें ऐड होते हैं, मिल जाते हैं, जब हम उसको फिल्टर करते हैं तो उसमें से अशुद्ध जो पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम उसे अलग नहीं करते उसको हम बोलते हैं गैंग। फिर हम बात करते हैं फ्लक्स के बारे में। देखिए फ्लक्स क्या होता है, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ, उसमें एक पदार्थ और मिलाया जाता है जिससे गैंग अलग हो जाता है अयस्क से, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स जब हम अयस्क में मिलाते हैं तो ये जो गैंग होते हैं वो अलग हो जाते हैं। एस मेल्टिंग या स्मेल्टिंग, देखिए इस प्रक्रिया में धातु को एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं, जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। शुद्ध धातु कैसे प्राप्त होती है, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें एग्जाम के पर्पज़ से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमको पढ़नी चाहिए। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आएगा हम बस फिर उठने पड़ेंगे, एग्जाम में जो जो आ रहा है वो हम कवर कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम लोग कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ रहे हैं जिससे कि आपका माइंड काफ़ी रमेगा, आपकी जो स्किल्स है पढ़ने की वो इम्प्रूव होगी। देखिए अब हम बात करते हैं संक्षरण, इसको बोलते हैं कोरिजन। अब देखिए धातुओं को उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण मतलब कोरिजन कहलाता है। अब जैसे कि अपने लोहे की छड़ अपनी छत पर रखी, ठीक है, उस पर बारिश पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, कभी धूप पड़ रही है, तो लोहे में क्या लगता है, जंग लग जाता है, उसकी पपड़ी पपड़ी हटना स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्किन मतलब ब्रेक हो जाती है, स्किन फटनी स्टार्ट होती है लोहे की छड़ की, तो इसी को हम बोलते हैं नुकसान होना किसी चीज़ का, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, लोहे में जंग लगना, जो तांबा होता है, तांबे की जो स्किन होती है, लेयर होती है, उसमें हरे रंग की परत चढ़ जाती है और चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है। अपने देखा ना, पंजेब काली हो गई, जा रहे हैं चुनाव के पास में, है ना, तो इस तरह से जो भी होता है ये सब पदार्थ का कॉरिजन। देखिए लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। उदाहरण के तौर पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जंग लगने से लोहे का भार कैसे होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फोर्थ ऑप्शन आपको कुछ और देगा। तो यहाँ पे हमको लगता है कि अगर जंग लगा है लोहे में तो उसमें से कोई लेयर हट रही है, मतलब वो टूट रहा है ऑटोमेटिक, मतलब कि भार कम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। अब देखिए लोहे लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ कौन सा होता है, जब उसमें जंग लगता है तो उसमें कौन सा पदार्थ बन जाता है जो उसको हानि पहुंचाता है, तो उसको बोलते हैं फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये पूरा फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट इसका नाम क्या है वो याद रखना है। अब हम बात करते हैं, देखिए लोहे एवं इस्पात को अगर जंग लगाने से बचाना होता है तो उसमें एक लेयर पेंट करी जाती है, आपने देखा होगा ना, आप तो लोहे के गेट वगैरह परचेज करते हैं, घर में कभी आते हैं तो उसमें से एक लोहे को बचाने के लिए उसमें एक पेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, यशद लेपन। ये प्रक्रिया ये विधि कहलाती है क्या, यशद लेपन। अब हम बात करते हैं, देखिए अगला पॉइंट कि तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है। तांबा जो होता है वायु में उपस्थित जो हल्की हल्की नमी टाइप की होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये अभिक्रिया करता है, जिसके कारण क्या होती है कि सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तांबे में, तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, और यह हरा पदार्थ क्या कहलाता है, यह हरा पदार्थ कहलाता है कॉपर कार्बोनेट। क्या कहलाता है ये, कॉपर कार्बोनेट।
तांबे पर अगर हरे रंग की परत चढ़ेगी तो वो होगा कॉपर कार्बोनेट, लेकिन लोहे पर क्या होगा, लोहे वाला केस पे ये होगा, ठीक है। दोनों को आपस में मर्ज नहीं करना है, इसको अलग से नोट कर लेना दोनों चीज को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, खुली हवा में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड, धातु प्रदूषण, कुछ भारी धातुएं जल में घुलकर उसे प्रदूषित करती हैं, जैसे कैडमियम, लेड, पारा, सीडी एवं एचडी गुर्दों को नष्ट कर देते हैं। पीबी गुर्दों को, जिगर, मस्तिष्क एवं केंद्रीय तंत्रिका को प्रभावित करता है। तो जब कुछ धातुएं जो होती हैं जल में घुल जाती है ना, और वही हम पानी पियेंगे बाद में, तो क्या होगा, हमारी ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं धातुओं से संबंधित कुछ विविध तथ्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जरा अपने कानों को ढंग से खोल लीजिए, जहाँ वहाँ जो भी आपका ध्यान भटक रहा होगा उसको फिलहाल साइड रखिए, मोबाइल को फिलहाल साइड कर दीजिए। अगर मोबाइल पे वीडियो वॉच कर रहे हैं तो बात अलग है, फिलहाल मोबाइल शांत रखिए, अपने साथ रखिए और ध्यान से देखिए वीडियो को। देखिए टंग स्टंग का संकेत क्या होता है, ये होता है W, और इसका गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस सेंटीग्रेड में दोनों में क्या डिफरेंस था वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। सेंटीग्रेड बोलो सेल्सियस बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखिए भारत में टंगस्टन का उत्पादन कौन कहाँ पे होता है, ये होता है राजस्थान में, एक स्थित है देवाना खान, ठीक है, देवाना खान में ये टंगस्टन बनता है। अब देखिए स्टेनलेस सल्फाइड SnS2 को मोसाइड गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। मोसाइड गोल्ड किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं स्टेनलेस सल्फाइड को, क्योंकि एग्जाम में लेट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं पेंट वगैरह बनाने में। सबसे भारी जो धातु होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ओस्मियम और प्लेटिनियम, सबसे कठोर धातु है। देखिए सबसे जो भारी धातु होगी वो होगी ओस्मियम, अगर बात करी जाए कठोर की तो वो है आपका प्लेटिनम। कठोर प्लेटिनम, भारी ओस्मियम, ठीक है, दोनों ही याद रखना और एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि पूछा उसने कठोर बता गया आप ओस्मियम, फिर आपको लग रहा है कि यार मेरा नंबर बिल्कुल सही आया, मजा आ गया एग्जाम में। तो इसी तरीके से कभी कभी नेगेटिव मार्किंग बन जाती है एग्जाम में आपके। देखिए आतिशबाजी के दौरान जब उसमें स्पार्क होता है, जो उसमें हरा रंग जो उसमें निकलता है आतिशबाजी में, मतलब क्रैकर की बात कर रहे हैं, जब दिवाली पे फोड़ते हैं ना बम पटाखे, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो हरा रंग निकलता है उसकी चिंगारी में, वो किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है, तो वो निकलता है बोरियम की उपस्थिति के कारण। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी, ये किस प्रकार की धातु है, ये है उत्कृष्ट धातु है। धातुओं में सबसे अधिक अघात वर्धक कौन सा होता है, अघात वर्धक सबसे अधिक जो अघात वर्धक है वो है आपका सोना और चांदी। सोना और चांदी, चांदी एवं तांबा क्या होती है, देखिए अभी मैंने आपको सीरीज बताई थी, चार धातु थी उसमें चारों ही आपको याद करनी है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दो को पक्का रखनी है। चांदी एवं तांबा क्या होती है, विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक होती है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं, कोबाल्ट का प्रयोग कौन से इलाज के लिए करा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है, तो आपको याद रखना है कैंसर। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में किया जाता है। अस्पताल में अगर इतने मरीज रहेंगे सुबह शाम, तो जो वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो हॉस्पिटल का पूरा जो माहौल होता है, वेदर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। तो इस सब की हवा को शुद्ध करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग कराया जाता है, तो वो है आपका सोडियम परऑक्साइड का, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार क्या है, स्टील एवं सीमेंट। एफिल टावर हमको लगता है कि इसलिए केवल स्टील से बना होगा, लेकिन नहीं, इसका बेस का जो कवर है वो कम्प्लीटली है सीमेंट से बना हुआ। वायुयान का निर्माण कौन सी धातु से होता है, जो हमारे एरोप्लेन, हवाई जहाज ये सब जो बनते हैं ना, उसका जो निर्माण होता है कौन सी धातु से होता है, तो वो है आपका पेलेडियम, नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। देखिए नाइक्रोम किस किस से मिलके बनता है, तो ये बनता है आपका निकिल, क्रोमियम और आयरन से। और विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है, जो हम लोग हीटर वगैरह यूज करते हैं ना, उसकी जो कुंडली होती है जिसमें वो
तार वगैरह दिखाई देता है आपको, तो वो आपकी नाइक्रोम की बनी होती है। अब हम बात करते हैं बारूद, बारूद में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं। अगर आपको बारूद बनाना हो ऐसे काम मत करना फिलहाल, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर है, अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको बारूद बनाना है भारत की रक्षा के लिए और वहाँ पे आप किस किस चीज़ का मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे, तो आप 75% पोटेशियम लेंगे ये, ठीक है, और 10% गंधक। आप कमेंट करें इससे पहले, आप मुझे पता है कि आपसे ये बोलोगे मैंने नाइट्रेट नहीं बोला। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट आप लेंगे 75%, 10% गंधक, 15% आपका चारकोल तथा अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है बारूद में। पिटवा लोहा क्या होता है? देखिए इस पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। पिटवा लोहा में सबसे कम होती है कार्बन की मात्रा, यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। अब देखिए टीन की अधिक मात्रा युक्त कासा को श्वेत कासा कहते हैं, तो ये तो फिलहाल नहीं पूछेगा आपसे। देखिए जो हम लोग चूहे का विष, हम बोलते हैं चूहे मार दवाई, जो चूहे मार दवाई होती है एक्चुअली का रिजल्ट होता क्या है, वो होता है एक्चुअली सिंक जिंक फॉस्फाइड। अगर हम लोग बोलते हैं मेडिकल स्टोर में जाकर कि जिंक फॉस्फाइड चाहिए हमको, तो वो चूहे मार दवाई नहीं समझ पाएंगे, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि, लेकिन हम लोग बोलते हैं चूहे मार दवाई, तो चूहे मार दवाई का जो साइंटिफिक नाम है वो है आपका जिंक फॉस्फाइड। अब देखिए जो ऑफिस वगैरह में, अगर आप अच्छे अच्छे ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ पे वीकेंड में या सैटरडे संडे में पेस्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पूरे ऑफिस में, तो उसको क्लीन करने के लिए एक करा जाता है पेस्ट कंट्रोल, इसको पेस्ट कंट्रोल या पेस्ट कंट्रोल कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एक ऑफिस के कोने कोने में एक हल्का सा छिड़काव करा जाता है, एक स्प्रे करते हैं ऑफिस के कोने कोने में, मतलब गेट के कोने में, आपके लॉकर के कोने में, ड्रॉर के कॉर्नर पे, जहाँ हम सीट बैठते हैं, डेस्क के कॉर्नर पे, तो इस तरह का छिड़काव होता है। तो उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर होता है आपका जिंक क्लोराइड का लेपन। चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं, देखिए ढंग से। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, और जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। किसको जस्ते का फूल कहा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है, तो ये कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड को। अब देखिए प्लेटिनियम को हम सफ़ेद सोना कहते हैं, सबका एक एक नाम दिया गया है। देखिए सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं, जस्ते का फूल किसको बोलते हैं, तो इस तरह के नाम जो भी हैं सभी आपने बड़े ध्यान से देखने हैं। बुक को आपने इसी तरीके से अपनी बुक को हाईलाइट करना है, ठीक है, और लेकिन रिविजन जरूर करना। देखिए पारे को क्या बोलते हैं, पारे को बोलते हैं क्विक सिल्वर। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। प्लूटोनियम किस प्रकार की धातु है, तो यह है आपकी रेडियो सक्रिय। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर ऑल एग्जाम। अब हम बात करते हैं धातु, अधातु तथा उनके यौगिक का नाम। फेरस ऑक्साइड हरा कांच बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और फेरस लवणों के निर्माण में। तो फेरस तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। अब हम बात करते हैं फेरस सल्फेट रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में और इंक बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में इसका यूज होता है, रंग उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। अब सल्फर का प्रयोग होता है कीट कीटाणु नाशक के रूप में, बारूद बनाने में, वाटर गैस। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेल्डिंग के कार्य के लिए प्रयोग में आता है। ऑप्शंस में आपको जो भी देगा उसमें वेल्डिंग पक्का होगा। कोल गैस निष्क्रिय वातावरण तैयार करने के लिए, मरकरी थर्मामीटर सिंदूर बनाने में एवं अमलगम बनाने के लिए। इसको तो आप फिलहाल हाईलाइट करिए और इसको याद मत करना, इसको तुरंत अपने माइंड में परमानेंट मार्कर से लिख लो, क्योंकि तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, रासायनिक उद्योग में, उपचायक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने के लिए, छतों दीवारों को चिकना बनाने में, मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है, इन तीनों जगह इस्तेमाल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मैग्नीशियम ऑक्साइड औषधि निर्माण में,
रबड़ पूरक में या बायलरों के प्रयोग में। तो एग्जाम में आपका मैक्सिमम जो देखने को मिलता है वो मिलता है औषधि बनाने में मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग करा जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में। जो लिक्विड ईंधन जो होता है वो एक्चुअली द्रव हाइड्रोजन होता है, इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं। अब हम बात करते हैं टाका जो हम लगाते हैं शोल्डर, जो आप लोग देखते होंगे शोल्डर वगैरह जो टीवी में जो प्लेट वगैरह होती है उसमें शोल्डिंग वगैरह होती है। तो ये जो शोल्डर होता है एक्चुअली उसका जो आगे का भाग होता है वो लेड एवं टीन से बना होता है। देखिए इसका गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक एक्चुअली बात करें शोल्डर का जो गलनांक होता है हल्के से गर्माहट मिलती है बहुत जल्दी वो गल जाता है। तो इसका लेड एवं टीन से भी कम इसका गलनांक होता है टाके का। अब देखिए स्टेनलेस इस्पात क्या होता है कि इसमें इसमें 18% तक क्रोमियम और निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील में कितना परसेंट क्रोमियम और निकेल होता है, तो 18% तक क्रोमियम और निकेल पाया जाता है। टंगस्टन इस्पात में क्या होता है, 15 से 70% टंगस्टन, 5% क्रोमियम और कुछ वैनेडियम युक्त इस्पात होता है। ये एग्जाम में तथा नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेनलेस स्टील में कितना परसेंट क्रोमियम और निकिल पाया जाता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो हमको ये लगता है कि इतना डीप क्वेश्चन पूछा आउट ऑफ सिलेबस था, ये एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में ही है, बुक में ही होता है, लेकिन ये हम कुछ बारीक चीज़ों को हम गौर नहीं कर पाते क्योंकि तो हम लोग होते हैं स्पीड में पढ़ते समय। ठीक है, स्पीड से क्या होता है कि स्पीड से आप अपना सिलेबस तो पूरा कर लोगे। आप इन शॉर्ट में बस तुम यही मानो कि आप तेज घोड़े पर सवार तो होंगे लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं होगी। वो घोड़ा तुम्हें जहाँ लेके जाएगा वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा, और जल्दीबाजी में हबड़ तबड़ में फटाफट बुक को पूरा करने में लगे पड़े हो दिन रात आप एक करने में, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए इम्पोर्टेंट यही है कि आपने जो पढ़ा है उसका अगर आप रिविजन कर रहे हैं उसकी की बातों को ध्यान में रख करके अगर आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई आना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिलहाल कोबाल्ट इस्पात की, कि इस प्रकार के इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है जिसके कारण इसमें विशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाता है। अब हम बात करते हैं धातु के बारे में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए ये होता है भारी जल एक्चुअली, और भारी जल की खोज हुई थी 1932 ईस्वी में। किसने करी थी, जूरे और वार्सबर्ग ने। भारी जल कब जमता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस पर भारी जल होता है जम जाता है। अब हम बात करते हैं मुलायम और कठोर जल क्या होता है, कि जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं उसे बोलते हैं हम सॉफ्ट वाटर, मतलब टंकी का पानी। और अगर मैं बात करूँ आपसे हैंडपम्प का पानी, उसमें क्या होता है झाग नहीं बन पाते हैंडपम्प के पानी में, काफ़ी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं कठोर वाटर। अब हम बात करते हैं कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, ये होती है 2 प्रकार की, एक होती है टेम्परेरी एक होती है परमानेंट। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर करी जा सकती है। अगर हम स्थायी जल में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो वो बन जाएगा अस्थायी, अस्थायी में सोडियम कार्बोनेट अगर हम मिलाते हैं तो वो बन जाएगा स्थायी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हमको स्थायी और अस्थायी जल को कन्वर्ट करना हो एक दूसरे में तो हम कौन सी चीज़ में मिलाएंगे, तो उसमें हम मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट। ओजोन क्या होती है, यह ऑक्सीजन का एक अपरूप होती है। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है ओजोन लेयर। सल्फर क्या होता है, देखिए पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता कितनी है, कितना परसेंट है, यह है 0.05%। और बात करें इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इसका उपयोग होता है संचालक बैटरी में, डिटर्जेंट उद्योग में। ठीक है, दो चीज इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये है आपका 78%, ये आपको पता होगा पहले से ही। ठीक है, और इसका जो नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं इसका उपयोग, ठीक है ये वास्तव में देखिए नाइट्रोजन से पहले आपसे हम बात करते हैं कि हैबर विधि क्या होती है। देखिए नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया का एक प्रमुख यौगिक होता है। नाइट्रोजन में क्या पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है, और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसका निर्माण करते हैं हम लोग हैबर विधि के द्वारा, हैबर
विधि के द्वारा। और अगर बात करी जाए आपसे कि अमोनिया का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, देखिए जो अमोनिया होता है उसका उपयोग होता है बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है। दो चीज़ इम्पोर्टेंट है और साथ में इम्पोर्टेंट है विस्फोटक, ठीक है। विस्फोटक बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो ये अमोनिया का प्रयोग होता है। बर्फ़ जो बनाई जाती है एक्चुअली, जो आप देखते हैं कि बर्फ़ की जो सिल्ली वगैरह आती है, तो वो जो सिल्ली बनती है वो बनती है अमोनिया के उपयोग के द्वारा। और ये किसका यौगिक है एग्जाम में ये पूछेगा आपसे, तो ये है आपका नाइट्रोजन का यौगिक। और किसके द्वारा अमोनिया बनता है उस विधि को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हैबर विधि। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और एक दोबारा आप रिवाइज करेंगे अपनी बुक में डायरेक्ट, या फिर इस वीडियो को दोबारा एक बार और वॉच करेंगे ना, तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा। अगर डाटा की कोई टेंशन नहीं है, आपके पास नेट की कोई टेंशन नहीं है, तो इस वीडियो को तुरंत एक बार और वॉच करना, तुरंत, कल पर मत छोड़ना उसको। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश, रासायनिक, धूम या कोहरा क्या होता है। यह वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, सूर्य के प्रकाश की क्रिया के द्वारा ये उत्पन्न होता है। आगे हम बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव होता है। यह हड्डियों तथा जीव कोशिका डीएनए में उपस्थित होता है। अब देखिए, लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। कौन सा फास्फोरस किसके अकॉर्डिंग कम क्रियाशील होता है, ये आप ध्यान रखना कि लाल फास्फोरस जो होता है व्हाइट फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्ल विलेय है। निष्क्रिय गैस क्या होती है, देखिए आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में टोटल 6 तत्व होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं निष्क्रिय। कौन कौन से 6 हैं, एग्जाम में 6 नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में टोटल कितने तत्वों को रखा गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये टोटल कितने हैं, 6। रेडोन, रेडोन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, वो है आपकी रेडोन। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑर्गन, ऑर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातु क्रमिक प्रक्रियाओं, धातु अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। हीलियम, देखिए हीलियम क्या होती है, काफी हल्की होती है और उसका उपयोग करते हैं गुब्बारे को भरने में। जो आप देखते हैं बैलून जो आसमान में उड़ते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, एग्जाम में आपसे ये पूछता है, तो वो है आपकी हीलियम। क्या है, हीलियम, याद रखिएगा। और मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए हीलियम गैस का प्रयोग करा जाता है, दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नियोन का उपयोग। नियोन जो है विसर्जन लैंपों वे ट्यूबों, ट्यूब मतलब कौन सी, वायुवान की जो ट्यूब होती है, तथा प्रदीप्त बल्बों में भरी जाती है, और जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट क्या होता है, चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका मतलब कि लाल या सैल के साथ खूब गर्म कर दिया जाता है, और खूब गर्म करने के बाद में सीमेंट की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्युमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण होता है, जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना, उसमें उपस्थित क्या, कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्युमिनियम सिलिकेट के जलयोजन के कारण होता है। तो दो चीजें इसमें मेन होती है, जिसके कारण क्या होता है, सीमेंट जम जाता है। अब हम बात करते हैं कांच के बारे में कि साधारण कांच, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन होता है। अब हम बात करते हैं फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच क्या होता है और उसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ये हम देखते हैं कैमरे में दूरबीन के लेंस पे विद्युत बल्ब बनाने के लिए फ्लिंट लेंस का प्रयोग होता है। पायरेक्स कांच क्या होता है, इसका प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। सोडा कांच, जी हाँ सोडा कांच भी होता है, सोडा वाटर आपने सुना होगा, लेकिन यह है सोडा कांच। इसका प्रयोग होता है ट्यूबलाइट बनाने के लिए, बोतल बनाने के लिए, प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तन के लिए। देखिए कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि कांच जो होता है वो मिश्रण है, और रासायनिक सूत्र किसका होता है, हमेशा रासायनिक सूत्र होता है यौगिक का।
रेसेदार कांच का प्रयोग किसमें करते हैं? तो ये करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए कौन से कांच का प्रयोग होता है, एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है, तो वो है आपका रेसेदार कांच। अब देखिए फोटोक्रोमिक कांच क्या होता है, फोटोक्रोमिक लेंस क्या होते हैं। जैसे आप स्पेक्स पहनते हैं ना, धूप में जाते ही जब वो स्पेक्स काले हो जाते हैं ऑटोमेटिक अपने आप, थोड़ी सी गर्मी प्राप्त करते ही वो कांच क्या होते हैं, वो लेंस क्या होते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऐसा उन कांच में मिलाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, उस लेंस में मिलाया जाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। अब हम बात करते हैं साबुन के बारे में कि सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे जैसे क्या, जैसे सिटियरिक, पालमिटिक तथा ऑलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, साबुन बनाने की क्रिया को बोलते हैं साबुनीकरण। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण मतलब कास्टिक सोडा होते हैं, जैसे कड़े साबुन कहलाते हैं। कास्टिक सोडा वाले जो साबुन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं कड़े साबुन, और जिसमें ये चीज़ नहीं होती है वो होते हैं मुलायम साबुन, ठीक है। तो जिसमें मतलब कि कास्टिक पोटास होता है, ठीक है, पोटास होगा तो मतलब मुलायम, सोडा होगा तो मतलब कड़े साबुन। डिटर्जेंट पाउडर क्या होता है, देखिए डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है, ठीक है। इस प्रकार की धुलाई को हम बोलते हैं माइक्रो सिस्टम धुलाई। माइक्रो सिस्टम धुलाई किसको बोलते हैं, वॉशिंग मशीन से करी गई धुलाई, पानी से छवाए हुए कपड़े, तो इस तरह से आपको ऑप्शन देगा, तो यह आपका डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ से जो सफाई होती है किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम धुलाई। अब देखिए प्रमुख विस्फोटक जो है आपका है डायनामाइट, और इसका आविष्कार कब हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था 1867 में, और आविष्कार किसने करा था, एल्फ्रेड नोबल ने। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करा जाता है, तो किस में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करा जाता है, उसका नाम बताइए, उसका नाम है आपका डायनामाइट। क्वेश्चन सही से ये बन जाता है। आरडीएक्स के फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में पूछी गई थी, कई बार, जी हाँ, आरडीएक्स के फुल फॉर्म क्या है, आरडीएक्स के फुल फॉर्म है आपके रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम भी आप याद कर सकते हैं, कभी कभी स्टेट के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कुछ पूछ लेता है। बाकी आरडीएक्स के फुल फॉर्म एक्चुअली हायर एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, जो एक्चुअली ग्रेड डी के एग्जाम होते हैं, ग्रेड सी के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर आरडीएक्स के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आपसे रासायनिक नाम पूछ सकते हैं, आप इसको पक्का याद करेंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। किसको प्लास्टिक विस्फोटक कहते हैं, वो बोलते हैं आरडीएक्स को। अब हम बात करते हैं आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा कितनी होती है, तो विस्फोटक ऊष्मा आपको याद याद रखनी है 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। इसकी खोज किसने करी थी, अब हम बात करते हैं खोज की, ये खोज करी थी जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेन्स, कब करी थी, 1899 में। अब देखिए उर्वरक के बारे में बात करते हैं, उर्वरक क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। देखिए मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं वो कहलाते हैं उर्वरक, ठीक है। अब नाइट्रोजन के उर्वरक क्या होते हैं, नाइट्रोजन तत्व इसमें पाया जाता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन के उर्वरक, जैसे यूरिया, यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है एग्जाम में आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है 46%। अब हम बात करते हैं अमोनिया सल्फेट, तो इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित होता है, पर अमोनिया की मात्रा क्या होती है, लगभग 25% होती है, कितना, 25% होती है। यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक होती है, ठीक है, अगर आलू की खेती करनी है तो कौन सा उर्वरक इस्तेमाल करेंगे हम लोग, अमोनिया का, मतलब अमोनिया सल्फेट का। अब देखिए अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता, तो ये तो खैर नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या पता पूछ लेगा कि किस प्रकार की भूमि में अमोनिया सल्फेट का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वह है चूना रहित भूमि में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों के कंप्लीट वीडियो, देखिए प्लेलिस्ट को और वॉच करिए इन सभी वीडियो को। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, लेकिन आपसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए,
और आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो भी आप नेटवर्किंग ऐप यूज़ करते हैं उन सभी के माध्यम से आप इस वीडियो को शेयर करिए। आप भी पढ़िए और को भी पढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे मतलब कि वीडियो कंटिन्यू अपलोड होते हैं लेकिन उस पर व्यू बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो एक्चुअली शेयर नहीं हो पाता है। अगर आप शेयर करेंगे तो इस चैनल को हेल्प मिलेगी और उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जो बच्चे महंगी महंगी किताब मार्केट से जाके परचेज नहीं कर सकते, जिनको नहीं पता कि बुक में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो एक आपके शेयर के माध्यम से क्या होगा कि कई बच्चों की मदद हो सकती है। तो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एक एक पेज को बैक टू बैक हम लोग स्कैन करते हैं आपके लिए, जिससे कि क्लियर प्रिंट हो सके, तो आपका भी छोटा सा कर्तव्य बनता है कि आप भी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिए, औरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए, खुद भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है शेयर करने में। और लाइक का बटन प्रेस करिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट को आप अच्छे से खंगालिए, चेक करिए, लग रहा है कि यूज़फुल है आपके लिए, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ये चैनल आपके लिए हेल्प कर सकता है, तो उसके बाद ही आप सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक आपको जरूर करना है। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको तुरंत मिलेंगे इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। ठीक है, इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।